हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी कॉन। कैसे हैं आप सब? बेस अच्छी ना बनी हुई हो तो चाय मेकअप कितना भी अच्छा हो लेकिन इसके डल नज़र आती है। उसके अलावा कुछ देर बाद जो है वो बेस बहुत ग्रे टोन पे चला जाता है और आपका मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और आपका सारा मूड ऑफ हो जाता है। तो आज जो मैं आपको बेस बताऊँगी वो है आपका टाइम कंज्यूमिंग। उसके अलावा जो है वो आपकी स्किन को इतना ग्लो देगा, इतना प्यारा बेस बनेगा कि आपकी स्किन बिल्कुल चार चांद, आपकी स्किन पर समझे चार चांद लग जाएंगे। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो घर में आपके पास मौजूद ही होती हैं। ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके मेकअप के सामान में भी मौजूद होंगे और आपके किचन में भी मौजूद होंगी। तो सबसे पहले हम एक जो है वो छोटा सा कोई भी कंटेनर ले लेंगे जिसके अंदर हम जो है वो DIY अपना ग्लोइंग बेस बनाएंगे। और ये जो बेस है ये उनके लिए है जो कि बस चाहते हैं कि बस जल्दी जल्दी हम एक ही बार में जो है सारी चीज़ें अप्लाई कर लें, हमें इधर से उधर से फ्रिज में से और क्या नाम है मेकअप इधर उधर से, यानी जो है सब जगह से हमें कोई चीज़ उठानी ना पड़े। तो ये आज उन्हीं लड़कियों के लिए जो है ये मैंने एक ऐसा ग्लोइंग बेस तैयार किया है कि आप लोग खुद कहेंगे कि वाकई सब बस समझे मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लूँगी प्राइमर। प्राइमर जो कि हमारी हमारे मेकअप को बहुत अच्छा सा सेटल डाउन करता है, तो प्राइमर हमारी स्किन को और सॉफ्ट भी करता है। तो सबसे पहले मैंने प्राइमर लिया है, तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने प्राइमर लिया है। और आप कोई भी प्राइमर ले सकते हैं जो भी आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो, जो भी आप यूज़ करते हो आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर लूँगी कोई भी मॉइस्चराइज़र, कोई भी लोशन वगैरह कुछ, यानी जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं नेविया क्रीम वगैरह आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि अभी विंटर सीज़न है तो इसमें तो आपको पता है लाजमी हमें मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी शामिल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा जितना हमें बनाना है, क्योंकि हम दोबारा भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा कंटेनर अपना पूरा फुल भर के रख लें। अच्छा, आपके पास कोई भी फाउंडेशन हो, हुडा ब्यूटी हो या मेबिलिन हो, जो भी आपके पास हो फिटमी वगैरह का वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ओरिजिनल डर्माकोल थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हाफ टेबल स्पून के करीब जो है वो डर्माकोल फाउंडेशन लिया है और ये बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट देता है, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए बनाने के लिए इसी को ही इस्तेमाल किया है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी लड़कियाँ पूछती हैं कि आपने कौन सा नंबर बताया, आपने नंबर नहीं बताया फाउंडेशन का ये वो। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगी कि देखें, ये मैं अपनी स्किन के लिए हाथ से बना रही हूँ, जो मेरा स्किन टोन है मैं उसके लिए अकॉर्डिंग बना रही हूँ। आपका जो भी स्किन टोन हो ना आप उसके अंदर वही इस्तेमाल कीजिएगा। किसी का 36 होता है, 38 होता है, 45 होता है, तो जो जिस तरह से इस्तेमाल करता है वो उसी तरह से इस्तेमाल करेगा। अच्छा, अब जो चीज़ हमें इसके अंदर ग्लोइंग हमें यूज़ करना है वो या तो हम लिक्विड शाइनर जो आते हैं हाइलाइटर्स वो भी यूज़ कर सकते हैं आइकॉन के। उसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से आपके पास ये फेस हाइलाइटर्स पड़े हुए होते हैं, फेस शाइनर, फेस हाइलाइटर, आप ये भी ले सकते हैं। और अगर बिल्फर्स आपके पास ये मौजूद नहीं हो तो जो आपकी मेकअप किट हो, जो आई शेडो किट हो, उसके अंदर भी हमारे पास इस तरह के शेड्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। और ये हमारे ब्लशिंग किट के अंदर भी जो है वो हमारे पास शाइनर वाले शेड्स मौजूद होते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक ये जो है वो लाइट बेबी पिंक पड़ा हुआ था और एक रोज़ पिंक पड़ा हुआ था, तो मैं ये यहाँ पे दोनों यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा एक हल्का सा मेरे पास वाइट टोन में जो है वो फेस शाइनर, वो आई शेडो था, तो मैंने वो भी यूज़ किया है। और ये देखिए ये वाला फेस, ये जो है वो एक्चुअली हाइलाइटर है। तो आप भी जो है वो भी जो भी डिफरेंट तरह के हाइलाइटर्स आप लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, अलग अलग जो हम यूज़ करते हैं चीज़ें, वो हम सारे आज इकट्ठे करके एक ही जगह पे जो है वो हम बना देंगे, अपना टाइम हम बचाएंगे। क्योंकि जब ऐसा होता है कि सुबह में जैसे कभी हमने जो है वो किसी फंक्शन पे जाना है, कहीं जाना है, तो फिर इतना टाइम नहीं होता और ना सीधी बात है इतना मूड होता है, बहुत इरीटेशन हो रही होती है, बस दे जाते हैं बस जल्दी से कुछ मुँह पे मलो और बस जल्दी से चले जाओ। अच्छा, लास्ट में हम डालेंगे सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे वही है जो मैंने अपनी वीडियो में आप लोग को बताया था, जो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था, ग्लोइंग सेटिंग स्प्रे। तो यहाँ पर जो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल दो पंप खाली जो है वो सेटिंग स्प्रे के डालें, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे अब अच्छे से मिक्स, क्योंकि मिक्स करना बहुत ज़रूरी है एक एक चीज़ के, यानी ये समझिएगा आपने जितने भी स्पार्कल्स इसके अंदर डाले हैं फेस शाइनर के, आपने ये सब इसके अंदर बेस के अंदर बहुत बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें इस तरह से, और अब आपको इसके अंदर खुद ही ऑलरेडी नज़र ही आ रहा होगा कि कितना चेंज हो गया है मिक्स होने के बाद। इसके अंदर इतनी शाइनिंग है, इतनी शाइनिंग नज़र आ रही है माशाल्लाह से, और इसका जो रिज़ल्ट है वो इतना औसम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं एक्चुअली थोड़ा सा बिज़ी थी जिसकी वजह से आजकल मैं वैक्सीन वगैरह भी नहीं करवा पा रही और ख़ुद भी अपनी केयर ज़्यादा नहीं कर पा रही, तो मैं खुद भी ज़्यादातर इसी तरह की रेमडीज़ वगैरह DIY करके बना के रखती हूँ ताकि मेरे भी जान छूट जाए, क्योंकि होता है और वैसे भी विंटर में थोड़ा सा इंसान लेज़ी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी प्यारी सी शाइन आ रही है, और जल्दी से जाना हुआ इसी बात पर आप लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूला करें, क्योंकि जो इतनी हिम्मत और इतनी जो चाकू चौबन जो मैं रहती हूँ वो इसी वजह से रहती हूँ कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स और आप लोग इतने ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत ज़्यादा दिल से थैंक्स करना चाहूँगी, बहुत सारी दुआओं में अपनी शामिल रखूँगी आप सबको। और यहाँ पर जो है वो मुझे थोड़ा सा वाइट वाला कम लग रहा था,
तो मैंने सोचा इसको भी शामिल कर लेते हैं थोड़ा सा। और आप लोग भी यही कीजिएगा, जहाँ आपको लगे कि अभी आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा सा बन चुका है तो आप लोग उतना ही वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। अच्छा, और उसके अलावा आप इसके अंदर जो है ना, वो अगर गर्मियाँ हैं, शदीद धूप, जैसे अभी सर्दी की भी धूप आपने देखा है बहुत ज़्यादा सख्त है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे सनब्लॉक, सनस्क्रीन वगैरह जो भी आप लोग यूज़ करते हैं बाहर जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, यूनिवर्सिटी जाते हुए, आप लोग वो भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने चंद ही चीज़ें जो कि मेरे पास होती ही हैं, जो कि हर लड़की के पास होती हैं, घर में मौजूद होती हैं, ठीक है, वो भी अच्छा। और उसके अलावा जो है वो अगर बिलफर्ज आपके पास प्राइमर ना हो तो मैंने साथ में एलोवेरा जेल इसलिए रखा हुआ था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि हम एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइमर की जगह ज़रूरी नहीं है कि प्राइमर ही यूज़ करें, क्योंकि जो रिज़ल्ट प्राइमर देता है वही सेम रिज़ल्ट आपको एलोवेरा जेल भी देता है, कोई फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पर जो है मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, ये देखें, अगर आपने इसको अच्छी सी कवरेज देनी है, यानी हाई कवरेज देनी है, अगर आप नाइट टाइम में किसी पार्टी में जा रहे हो और आप हैवी लुक चाहते हैं मेकअप का, तो आप यहाँ पर इसको ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सिंपल जो है वो जस्ट डैब डैब करेंगे, कोई भी आपके पास जो भी इस तरह से स्पंज वगैरह होगा उससे, ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह जो भी, जिससे भी आप जो भी आप यूज़ करते हैं उससे आपने जो है वो इसको अच्छे से कवरेज देनी है। और आपको मैं दिखाऊंगी इसका फाइनल रिज़ल्ट, मुझे तो यकीन माने मैं तो इस वाले DIY की दीवानी हूँ, क्योंकि मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत औसम लगता है, बहुत ज़्यादा, पूरी एकदम से समझे स्किन चेंज हो जाती है और पता चलता है कि आपने कोई चीज़ लगाई है। तो इस तरह से जो है वो बहुत अच्छे से आपने जो है उसकी ब्लेंडिंग करनी है। देखें, ब्लेंडिंग और मिक्सिंग यही दो चीज़ें जो है ना वो किसी भी मेकअप में बहुत मायने रखती हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसको अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी। अगर आपको हैवी कवरेज चाहिए तो आप जो है वो फिर ब्लेंड इसको ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसको थोड़ा सा लूज़ करके ना, यानी इसका सेटिंग इस पर जो है थोड़ा सा ज़्यादा करके इसके अंदर, और फिर ब्रश से अप्लाई करके उसके बाद फिर आप ब्रश से इसको अच्छे से आप अपनी स्किन में जो है वो मर्ज कर लें। अच्छा, यहाँ पर आप देखें मैंने अब इसको ब्लेंड कर दिया और उसका रिज़ल्ट इतना औसम है कि मैं आपको क्या बताऊँ, दिल खुश हो जाता है इसको लगाने के बाद। और ना किसी आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी फेस शाइनर की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको अलग से प्राइमर लगाना पड़ता है, ना सेटिंग स्प्रे लगाना पड़ता है, ना सनब्लॉक, तो बस सब ही कुछ समझे एक ही जगह आ जाता है। अब आप लोग ये देखेंगे जहाँ पे मेरा कड़ा है उसके ऊपर का रिजल्ट देखिएगा और उसके नीचे जो रिजल्ट है जहाँ पे मैंने लगाया, अब आप वो फर्क देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना चेंज आया है, ठीक है। और बस यही चीज़ जो है ना, यही चीज़ जो है वो मुझे इसका दीवाना कर देती है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इसके दीवाने हो जाएँ और इसको ज़रूर बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो है वो ये इतनी प्यारी सी DIY ग्लोइंग बेस कैसी लगी। और उम्मीद करूंगी कि अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि ये वाकई अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब इसी के साथ जो है वीडियो करूंगी एंड, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।